स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के इस क्विक ट्यूटोरियल में। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। एथीरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन का कहना है कि एथीरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले एक साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $390 बिलियन के करीब भी आया। विटालिक को उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब यही है कि एथीरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। वहीं CoinDesk की एक रिपोर्ट कहती है कि US बैंकिंग जायंट सिटी ग्रुप बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेड करने की पूरी तैयारी में है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि CME पर ये लॉन्च किया जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइंट्स की बढ़ती डिमांड को देख सिटी ग्रुप लंदन में एक खास डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट भी कर रही है। आप जैसे डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए एक खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलांजो नाम के पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए डेट भी फिक्स कर दी है। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट्स की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपिया की सरकार के साथ एक पार्टनरशिप की है। हाल ही में पॉली नेटवर्क्स और जापानी क्रिप्टो एक्सचेंज लिक्विड पर हुए साइबर अटैक के बाद सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइनबेस ने इंडस्ट्री इकोसिस्टम बिल्ड करने की घोषणा की है जिसमें सुरक्षा और सख्त की जाएगी। कॉइनबेस उन सभी एड्रेसेस को ब्लॉक करेगा जो अटैक में आइडेंटिफाई हुए हैं। कॉइनबेस अपने एनालिटिक टूल्स की मदद से फंड की मूवमेंट को भी ट्रैक करने वाला है। कॉइनबेस ने कई एक्सचेंजेस और इकोसिस्टम से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत किया है जिससे एक दूसरे के कंप्लायंस, सिक्योरिटी और दूसरे इन्वेस्टिगेशन फंक्शंस की मदद से एक ट्रस्टेड नेटवर्क तैयार हुआ है जो जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे। तो ये था क्रिप्टो की दुनिया का अपडेट। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सोगानी जो फाउंडर एंड सीईओ हैं क्रिपबाको के। सिद्धार्थ, वेलकम टू द शो। मुझे सबसे पहले बताइए, कार्डानो को लेकर काफी ज्यादा हाइप है, तो व्हाट इज कार्डानो? इतनी जो तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों में, उसके पीछे वजह क्या है? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लॉजिक क्या है और एक अपग्रेड की बात हो रही है, ये सब कैसे काम करेगा? हाय अर्शदा, कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू, कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकेंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथीरियम। इथीरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, एनएफटीज चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथीरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजेक्शन बहुत महंगे हो गए और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन। इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथीरियम की। वाइटालिक बुटेरिन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक सेकेंड वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। बट आई थिंक अगेन दैट इट इज अ लिटिल लेट टू द मार्केट एंड स्लाइटली ओवर वैल्यूड। It is already number 3, so I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it, but don't FOMO into it. It's a good project. It's been a pleasure having you on board and thanks again, Siddharth. Thank you so much, Arshana. चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक अपडेट्स आपके लिए मैं ही लेकर आऊंगी। तब तक नमस्कार एंड टेक केयर।